नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एलपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण सात विषय हिंदी पुनरावर्तन एक थी स्टार्ट करीशुं। पुनरावर्तन एक छे बराबर, ए तमारे आ वीडियो जो ने स्वाध्याय पोथी में व्यवस्थित सारा अक्षरे पूरी लेवानुं रहेशे। प्रश्न नंबर एक छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। पची प्रश्न नंबर बे छे, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं है। हवे जो है प्रश्न नंबर त, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उसकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह से चल सकता है। हवे जोईए प्रश्न नंबर चार, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवाभाव दिखा कर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। हवे जोईए प्रश्न नंबर पाँच, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें ले आता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी दवाएं फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तमे जे तमारा माता पिता ने घर का मां मदद करता हो ये आ प्रश्नना जवाब में लखवानू छे। हवे जोईए प्रश्न नंबर छ, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ ही नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की सीख दी है। हवे आगळ छे प्रश्न नंबर बे, एमां शुं कहे छे कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। बराबर, अहींया तमने रूपरेखा मुद्दाओ आपेला छे, एना उपरथी कहानी लखवानी छे। तो ए जोईए, एक चरवाहा जंगल में बकरिया चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी को गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज़ सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िए का भाग जाना, बकरे की जान बचना अने सीख। अने कहानी ने उचित शीर्षक आपवानुं छे। तो ईसु आपेलू छे आपणे बकरी की चतुराई, तमे तमारा हिसाबथी बराबर शीर्षक आपी शको छो। तो चालो आपणे कहानी जोई लईए। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। बराबर खबर पड़ी ने कहानी नी अंदर।
બકરીને જ્યારે લાગે છે બરાબર કે એની જાન મુશ્કેલમાં છે, હવે નહીં બચે, તો શું કરે છે, એક યુક્તિ અજમાવે છે અને શું કહે છે કે હું એક ગીત, મને એક ગીત ગાવા દો. અને મેં કરી અને ચિલ્લાય છે અને ચરવાહાને ચતુરાઈથી બોલાવી લે છે અને પોતાની જાનને બચાવી લઈએ છે. તો આ કહાનીથી આપણે શું શીખ મળે છે કે મુસીબત આને પર ઘબરાના નહીં ચાહી, હિંમત ઓર યુક્તિ સે કામ લેને પર મુસીબત દૂર હો સકતી હૈ. હવે આગળ જઈએ પ્રશ્ન નંબર 3. અપને વિદ્યાલય મેં મનાયે ગયે પ્રજાસત્તાક દિન કે બારે મેં જાણકારી દેતા હુઆ પત્ર અપને વિતરકો લિખે. તો સૌથી પહેલાં એડ્રેસ 23 વિજયનગર સોસાયટી રાજકોટ, અને પછી તારીખ 28/1/2013. સરનામું છે બરાબર એ આ જ રીતે બરાબર લખવાનું છે સાપોથીમાં પણ. પછી પ્રિય મિત્ર સુભાષ, અને પછી લખે છે જય હિન્દ, અહીંયા સંબોધન કરે છે અને અહીંયા અભિવાદન બરાબર, પ્રિય મિત્ર સુભાષ, અને પછી કહે છે જય હિન્દ. હવે આગળ જોઈએ. પિછલે સપ્તાહ મેં પ્રજાસત્તાક દિન કે કાર્યક્રમો કી તૈયારી મેં વ્યસ્ત રહા. શું કહે છે કે પાછળના સપ્તાહ હું પ્રજાસત્તાક દિવસના કાર્યક્રમોની તૈયારીમાં બિઝી હતો, ઇસલીએ તુમ્હારા પત્ર કા ઉત્તર દેને મેં દેરી હો ગઈ હૈ. ઇસ બાર હમારે વિદ્યાલય મેં 26 જનવરી કે કાર્યક્રમ બહુ શાનદાર રહે. વિદ્યાલય કા પ્રાંગણ ચારો ઓર સે સજાયા ગયા હતા. પોલીસ કમિશનર શ્રી દત્તાજી કો વિશેષ આમંત્રિત કે રૂપમાં બુલાયા ગયા હતા. ઉન્હોને હી કાર્યક્રમ કી અધ્યક્ષતા કી હતી. સુબહ 7:30 બજે દત્તાજીને રાષ્ટ્રધ્વજ ફહરાયા. રાષ્ટ્રગીત કે બાદ અધ્યક્ષ મહોદયને આપણે સંક્ષિપ્ત ભાષણમાં હમે પ્રજાસત્તાક શબ્દ કા અર્થ ઓર ઇસકા મહત્વ બતાયા. ઉન્હોને કહા કે સચ્ચે ઓર જાગૃત નાગરિક હી પ્રજાસત્તાક કો સફલ બના સકતે હૈ. इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए. हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया. इसमें मैं भगत सिंह बना था. राष्ट्रगीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला. संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा. अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया. वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ. तुम्हारा मित्र जवाहर. તો સાધ્ય પોથીમાં પ્રશ્ન નંબર 4 છે. નિમ્નલિખિત શબ્દ કો સંજ્ઞા સર્વનામ ઓર વિશેષણ મેં વર્ગીકૃત કરીજીએ. હવે આ શબ્દો છે અને સંજ્ઞા સર્વનામ અને વિશેષણમાં અલગ પાડવાના છે. તો સંજ્ઞાની અંદર આવશે નર્મદા, ભય, સેના, અગ્નિ અને મનુષ્યતા. અને સર્વનામ બરાબર નામના બદલે જે વપરાય એ સર્વનામ. ક્યા, જીસકો, હમ, યહ. અને વિશેષણ બરાબર જે એને વિશેષતા બતાવે છે, એટલે કે થોડા, ઝ્યાદા, સુંદર, સાતવા, કઈ, કિનો અને મોટા. હવે આમાં પ્રશ્ન નંબર 5 છે. નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લિખીએ. ધરતી સા ધીર, તું હે અગ્નિ સા વીર, તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે. હે મનુષ્ય, તુજ મેં ધરતી જૈસા ધીરજ હૈ, તુજ મેં અગ્નિ જૈસી શક્તિ હૈ, તું ચાહે તો કાલ કો ભી રોક સકતા હૈ. નિજ કો તું જાન જરા શક્તિ પહેચાન, તેરી વાણી મેં યુગ કા આવાજ હે રે. તું અપની શક્તિ કો પહેચાન, તેરી વાણી મેં યુગ કી લલકાર હૈ, તેરી આવાજ સારે યુગ કી આવાજ હૈ. હવે પુનરાવર્તન પછી આપણે ધોરણ 7 હિન્દી બરાબર પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર છે બરાબર એને સમજી લઈએ. તો પાઠ 6 નું નામ છે માલવજી ફોજદાર. પ્રસ્તુત એકાંકી મેં એક છોટે બાલક માલવજી ફોજદાર કી નિર્ભયતા, પ્રતિજ્ઞા પાલન, કર્તવ્ય ભાવના ઓર માતૃપ્રેમ પ્રસ્તુત કિયા ગયા હૈ. આ જે નાટક છે બરાબર એની અંદર એક નાનો બાળક જેનું નામ માલવજી ફોજદાર છે, એની નિર્ભયતા, પ્રતિજ્ઞા પાલન, કર્તવ્ય અને એની માતા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે. સાથમાં મરાઠા સામ્રાજ્ય કે મહારાજા છત્રપતિ શિવાજી કી ઉદારતા ઓર રાષ્ટ્રપ્રેમ કો ઉજાગર કિયા ગયા હૈ. સાથે તે મરાઠા સામ્રાજ્યના મહારાજા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એની ઉદારતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમને ઉજાગર કરવામાં આવ્યું છે. શિવાજી મહારાજ કે સેનાનાયક તાનાજી કી સ્વામી ભક્તિ કો ભી પ્રસ્તુત કિયા ગયા હૈ. અને શિવાજી મહારાજના જે સેનાનાયક છે તાનાજી એની સ્વામી ભક્તિ એટલે કે માલિક પ્રત્યેની વફાદારી છે એને પણ પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. આ નાટકની અંદર પાત્ર છે શિવાજી, માલવજી, તાનાજી અને દરબાર. અને એની અંદર પહેલા દૃશ્ય એટલે કે પહેલું ચિત્ર છે. સ્થાન શિવાજી કા શયન કક્ષ. અને સ્થાન કયું બતાવે છે કે શિવાજી જે રૂમમાં સૂતા હોય છે બરાબર એનું શયન કક્ષ, ત્યાંથી આ નાટકની શરૂઆત થાય છે.
एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। एक सजावेला रूम में शिवाजी जी एक पलंग पर सूता था। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है अने सामे छे भवानी नु चित्र छे लटकेलू छे। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है अने नजीक माते किशोर आयु ने એટલે કે બાળક આયુ નો માલવજી છે હાથ માં ખુલ્લી તલવાર રહી અને શિવાજી મહારાજ ની હત્યા કરવા માટે તત્પર છે। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते बैठते हैं अने शिवाजी ने त्यारे शू थाय छे के अचानक थी एक भयानक सपनो आवे छे अने तरत आम आंख खोली अने बैठे छे। मालवजी उन पर वार करता है अने मालवजी छे एना उपर वार करवा जाए छे। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं अने पाछळथी शिवाजी महाराज ना सेनानायक बराबर तानाजी छे एनो हाथ पकड़ी लई छे। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं शिवाजी छे बराबर प्रेम भरी दृष्टि थी तानाजी ना तरफ जोवे छे केम के तानाजी छे बराबर एनी जान बचावे छे। शिवाजी आश्चर्य करते हुए तुम कौन हो बस पछी शिवाजी ने आश्चर्य थाय छे ने पूछे छे तू कौन छे बाळक पछी बालक बोले छे वीरतापूर्वक बोले छे मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। शिवाजी छे बराबर पछी गंभीर स्वर में मालव जी ने कहे छे के मालव जी तने खबर छे के तने आ अपराध माटे शू दंड मळशे। मालव जी निर्भयता पूर्वक मृत्यु बराबर मालव जी छे बराबर तोय के निर्भय એટલે કે ડર્યા વગર બોલે છે કે હા મને મૃત્યુ દંડ આપવામાં આવશે। શિવાજી મૃત્યુ દંડ પાને સે પહેલે તુમકો મુજે એક બાત બતાની હોગી પછી શિવાજી છે બરાબર માલવજીને કહે છે કે તને હું મૃત્યુ દંડ આપું એના પહેલા તને મને એક વાત બતાવી પડશે। માલવજી પૂછે છે કે વહ ક્યા એ શું પછી શિવાજી કહે છે તુમ્હારી બાતો ઓર ચાલ ઢાલ સે જાન પડતા હે કે તુમ વીર પુત્ર હો સત્યવાદી હો ઇસસે મુજે આશા હે કે તુમ ઝૂઠ નહીં બોલોગે। तो शिवाजी शू कहे कि मैंने तारी बात अने चाल ढाल थी लगे कि तू एक वीर पुत्र छू अने सत्यवादी एटले कि हमेशा साचो बोलना छू मने एवी आशा है कि तू मारा थी खोटू नहीं बोल। पछी मालवजी कहे जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा इसमें छिपाने की क्या बात है। तो मालवजी कहे कि जे बात साची है एने हूँ जरूर थी बतावी दईश एम छुपावानी शू बात है। तो शिवाजी बोले युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। तो शिवाजी ने पूछे कि बा ए युवक शू तू मने मारी अने मराठा साम्राज्य नो मालिक बनवा मांगतो हतो। तो मालवजी कहे कि नहीं ना एम। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है बराबर। तो शिवाजी ने एम कहे कि आपने शू काम मारवा मांगे छे। तो एने पूछे कि शू मैं कोई दिवस तारू नुकसान पहुंचाड्यू छे કે શું મેં રાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા ઉપર કોઈ દિવસ ધબ્બો લગાડ્યો છે તો તું મને મારવા માંગે છે। તેના ઉત્તરમાં માલવજી કહે છે મહારાજ યહ સબ કુછ નહીં શું કહે છે કે માલાજી સોરી મહારાજ આ બધું નહીં। શિવાજી ફિર તુમ્હારા મનમાં ક્યાં વાત થી। તો શિવાજી પૂછે છે કે તો તારા મનમાં શું વાત હતી એમ। તો તે મને મારવાની પ્રયત્ન કર્યો। માલવજી યદિ આપ પૂછતે હી હે તો સુનિયે શું કહે છે કે જો તમે પૂછો છો તો સાંભળો। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे मारा पिता छे तमारी सेना में सिपाही हता उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए शू कहे छे के तेणे देश नी रक्षा माटे पोताना प्राण छे बराबर ए न्योछावर करी दीधा। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए आज एमना मृत्यु थवाने 2 वर्ष थई गया। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है शू कहे छे के हवे मारा घर ने अंदर हूँ अने मारी माँ 2 जना छीए। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है शू कहीश के आज 3 महीना थी हमने बे ने पेट भरी अने अन्न एटले के खोराक मळवू मुश्किल थई गयू छे। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है शू कहीश के आ संसार में मनुष्य छे बधुं ज सहन करी ले छे परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता बरन शू कहीश के परंतु कोई माणस छे भूखू रही शकतू नथी। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा शू कहे छे के हूँ आ विचार में बैठो हो तो के हूँ शू करूँ एम भूखो। तो एटली वार में एक सैनिक छे मने आवीने कहे छे के जो तू शिवाजी महाराज ने मारी नाखीश तो हूँ तने धन आपीश। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था शू कहे छे के आज लालच में आवी अने हूँ तमारी हत्या करवा माटे अहीं आव्यो हतो किंतु अचानक उसी समय आपकी आँखें खुल गई शू कहे छे के परंतु अचानक एक समय तमारी आँख खुली गई। शिवाजी जब तुम्हें इतना कष्ट था तो
तब मेरे पास क्यों नहीं आए? शू कहे छे के ज्यारे तने एटलू दुख हतु बे टाइम सरखू जमवानु नतु मळतु तो तू मारी पासे केम न आव्यो? तो मालवजी कहे छे महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका आपका ही कर्तव्य था। तो शू कहे छे मालवजी के मारे आवानी शू जरूर हती एम? जे सैनिके पोतानी देशनी रक्षा माटे पोतानी जान नोछावर करी दीधी एना परिवारनु पालन पोषणनी चिंता करवानी जवाबदारी तो तमारी हती एम? बालक की निडरता को मन ही मन में सराते हुए दिखावटी रोष से हवे शिवाजी छे शू करे छे के ए छे बाळकनी निडरताथी ई खुश थई जाय छे अने मनमा एने सरावा मांगे छे केटलो निडर बाळक छे अने पछी खोटे खोटे गुस्सो करे छे अने शू कहे छे शिवाजी? तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। शू कहे कि आ बाड़क ने लई जाओ कैद खाना में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शू कहे कि काले आपने इन्हें मृत्युदंड आपसू। पची मालवजी कही छे मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हो। शू कहे कि तमे मने मृत्युदंड आपो एना पहला हूँ तमारी पास एक बात की भीख मांगू छु। तो शिवाजी कहे कि वह क्या ई शू छे एम? तो मालवजी कहे छे मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मरवाथी पहला हूँ मारी पूजनीय माता छे एनो एक वक्त दर्शन करवा मांगू छू। शिवाजी यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? तो शिवाजी ने शू पूछे कि जो तू तारी माता नु दर्शन करी अने पाछो न आव्यो तो? तो मालवजी कहे छे मैं वीर पुत्र हूँ झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। शू कहे छे कि हूँ एक वीर बाळक छू अने खोटू बोली अने मृत्यु थी बचवा मांगतो नथी। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी से लौट आऊंगा। शू कहे कि हूँ प्रतिज्ञा करूँ छू कि हूँ मारी माता ना दर्शन करी अने फटाफट थी पाछो आवी जाइश। बराबर कोई पण बाळक होय एने मृत्युदंड मळ्यो होय अने पछी एने भागवानो अवसर मळे तो कोई दिवस पाछो न आवे, परंतु एने प्रतिज्ञा करी होय छे बराबर एना माटे ई पाछो आवे छे। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए अच्छा जाओ यही देखना है। मालवजी का प्रस्थान। शिवाजी छे बराबर मनमा ई बाळकनी सराहना करे छे केटलो वीर बाळक छे अने शिवाजी छे मालवजी ने कहे छे के हा जाओ अने पछी शू कहे छे के यही देखना है। एने ई जोवू होय छे शिवाजी ने के मालवजी छे बराबर एनी माँ ने मळी अने पछी पाछो आवे छे के नहीं। पछी शिवाजी पाछो बोले छे ओ इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है। शू कहे छे? तानाजी ने कहे छे के आ बाळक ने अंदर वीरता छे घणी छे अने साथे एनी માતાનો ભક્ત પણ છે। એસે હી બાળક અપને માતા પિતા કી લાજ રખતે હે। શું કહે છે કે આવા જ બાળકો છે એ માતા પિતાની ઇજ્જત રાખે છે। તાનાજી તુમ્હારી ક્યા રાય હે? અને તાનાજીને પૂછે કે તારી આ વિશે શું રાય છે? તાનાજી મહારાજ આપ ક્યા કહેતે હો, મેં તો ઇસકી વીરતા ઓર સાહસ પર મુગ્ધ હું। શું કહે છે કે મહારાજ તમે શું કહો છો, હું તો આની વીરતા બરાબર એ જેટલો નિડર છે એની વીરતા અને એના સાહસ પર મુગ્ધ છું એટલે કે આશ્ચર્યચકિત છું। શિવાજી તાનાજી જાણતે હો મેં ઇસ બાળક કે સાથ ક્યા વ્યવહાર કરૂંગા? અને શિવાજી છે તાનાજીને પૂછે છે કે તને ખબર છે કે હું આ બાળક સાથે કેવો વ્યવહાર કરીશ? તો તાનાજી કહે છે નહીં મહારાજ। શિવાજી મેં ઇસકી પરીક્ષા લેને કે પશ્ચાત ઇસે મૃત્યુદંડ સે મુક્ત કરકે અપની સેના મેં ભરતી કરૂંગા। મેરા વિશ્વાસ હે કે માતૃભૂમિ કી સેવા મેં યહ બાળક કોઈ કસર નહીં રખેગા। શું કહે છે કે હું આની પહેલાં પરીક્ષા લઈશ બરાબર એની માતા પાસે મોકલો છે તો એ જોશે કે પાછો આવે છે કે નહીં, જો એ પછી પાછો આવશે તો એને મૃત્યુદંડથી આઝાદ કરી દઈશ અને અમારી સેનામાં એને સૈનિક તરીકે રાખીશ। અને શું કહે છે કે મને વિશ્વાસ છે કે આ બાળક છે બરાબર એ માતૃભૂમિની સેવાની અંદર કોઈ પણ કસર બાકી નહીં રાખે। તાનાજી ઘાતક કે સાથ ઇતની દયા ધન્ય હે। શું કહે છે? ઘાતક એટલે કે જેણે તને મારવાની કોશિશ કરી છે એટલો ઘાતકી છે, એની સાથે એના સાથે તમે એટલી દયા રાખો છો એમ તમે ધન્ય છો। શિવાજી તાનાજી મારને વાલે સે બચાને વાલે મેં અધિક શક્તિ હોતી હે। શિવાજી છે તાનાજીને કહે છે કે જો કોઈ મારવાવાળો છે એના કરતાં બચાવવાવાળો છે એ વધારે શક્તિશાળી હોય છે। આજ તુમને હમારી જાન બચાવી। શું કહે છે કે આજે તે મારી જાન બચાવી, ઇસીલીએ મેં તુમ્હારા આભારી રહૂંગા। શું કહે છે કે એના માટે હું તારો આભારી રહીશ। તાનાજી મહારાજ આપ યહ ક્યા કહેતે હૈ, મેં તો આપકા દાસ હું, સ્વામી કી રક્ષા કરના દાસ કા કર્તવ્ય હે। તો તાનાજી કહે છે કે મહારાજ આ તમે શું કહી રહ્યા છો, હું તો તમારો ગુલામ છું અને સ્વામીની રક્ષા કરવું છે બરાબર એક ગુલામનું કર્તવ્ય હોય છે એટલે કે નોકર છું એમ, ઇસમે આભારી હોને કી ક્યા બાત હે, એમાં તમારે ધન્યવાદ એમાં આભારી થવાની કઈ વાત છે?
शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। शू कहे शिवाजी तानाजी ने कहे कि तू धन्य छो, तारा जेवा सेना नायकों पर भारत माता छे गर्व करे छे। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, अने तानाजी ने कहीश के सारू थोड़ी वार तू आराम कर, थोड़ी वार तमे आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। तानाजी छे प्रणाम करी अने जेवी तमारी आज्ञा एवं कही अने प्रस्थान करे छे, एटले के जाय छे। हवे यहाँ बीजू दृश्य छे ए शुरू थाय छे, अने ई स्थान छे क्यानो छे, शिवाजी दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय, शिवाजी ना दुर्ग नो एक रूम अने बपोर नो समय। शिवाजी तानाजी की और मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी छे बराबर तानाजी तरफ मुड़ू फेरवीने कहे छे के तानाजी खबर नहीं केम ई बालक माटे मारा हृदय नी अंदर अगाध प्रेम छे उमड़ी रह्यो छे। जब से वह मेरे सामने आया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शू कहे कि ज्यार थी मारा सामने आव्यो छे त्यार थी हूँ एना विशेष विचारी रह्यो छु। तानाजी महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। अने तानाजी शू कहीश के हाँ एनु वीरता अने साहस नु फल छे। शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। शू कहे कि तू साचू कहे कि हूँ एनी वीरता पर मुग्ध छूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, शू कहे कि एटली नानी उम्र अने एटलू मोटू साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस, शू कहे कि जे शिवाजी ना नाम आग आखी मुगल सेना छे ई कांपे छे, अने एक नाना बाळकनो एटलू मोटू साहस एम के शिवाजी ने मारवानी कोशिश करे छे एम। हवे आगळ तानाजी इसमें भी क्या कोई संदेह है। शू कहे कि एनी अंदर पण कोई मोटो संदेश छे एम। दरबार प्रवेश करी अने कहे छे महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। महाराज एक बालक छे तमने मळवा माटे आव्यो छे। शिवाजी उसे बुला लो। शिवाजी एने कहे छे कि हाँ एने बोलावी लो। दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश, अने दरबान साथे मालवजी छे प्रवेश करे छे। मालवजी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शू कहे छे कि महाराज तमारो अपराधी छे बराबर ए मृत्युदंड मेळवा माटे तमारी समक्ष प्रस्तुत छे। शिवाजी वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो शिवाजी छे बराबर ए पूछे छे मालवजी ने कि वीर पुत्र तू आटलो जल्दी केवी रीते आवी गयो एम। तो मालवजी कहे छे महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। शू कहे छे कि जारे हूँ तमारा थी विदाई थई अने घरे पहुंचो त्यारी मारी माता छे बराबर घणी वार थी मारी राह जोती हती अने मने जोईने ज एने छाती थी लगावी लीधो। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ। शू कहे कि ते समय मैं एवं विचार्यू कि हूँ मारी माँ ने आखी बात कही दो कि शू थयो तो अने एने मृत्युदंड मळ्युं छे, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। शू कहे छे कि परंतु मारी हिम्मत थाती नथी कि हूँ मारी माँ ने एवं कहूँ कि मने मृत्युदंड की सजा मळी छे। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ अने शू कहे छे कि हवे हूँ तारी सेवा में उपस्थित छू, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शू कहे छे कि हवे तमे मारी साथे जे करवा मांगो छो ए तमे करी शको छो, परंतु मरवा पहला हूँ तमारी पासे हजी एक बात छे ए मांगू छू। तो शिवाजी पूछे छे कहो वह कौन सी बात है। शू कहे छे के ए कई बात छे। तो मालवजी कहे छे मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शू कहे छे के मारी माँ ने देखरेख राखवानो आखी भार छे तमे तमारा ऊपर ले लो। शिवाजी वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शू कहे छे के वीर पुत्र तू साचे ज क्षत्रिय पुत्र छे, शिवाजी वीरों का आदर करता है उनकी हत्या नहीं करता। अने शू कहे छे कि शिवाजी महाराज छे बराबर ए वीरनो आदर करे छे ए लोकानी हत्या करता नथी। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। शू कहे छे कि अत्यार सुधी हूँ तारी परीक्षा लई रह्यो हतो, बस तू मेरी परीक्षा में सफल हुए। शू कहे छे कि मैं जे परीक्षा लीधी एनी अंदर तू पास थई गयो बराबर, एने एवुं हतुं कि जो ए वीर हशे बराबर तो ए मृत्युदंड मेळव्या छतां એ પ્રતિજ્ઞા નિભાવવા માટે પાછો આવશે અને એ બાળક છે એ પાછો આવે છે મૃત્યુદંડ મેળવવા માટે। મેં તમારા અપરાધ ક્ષમા કરતા હું। શું કહે છે કે તે જે મને મારવાની કોશિશ કરી જે અપરાધ કર્યો એની એના માટે હું તને માફી આપું છું। માલવજી શિવાજી કે પેરો મેં ગીર કર આપ ધન્ય હે બરાબર, માલવજી છે એ શિવાજીના પગમાં પડી જાય છે અને કહે છે કે આપ ધન્ય હે બરાબર, જેને મારવાની કોશિશ કરી બરાબર એને માફ કરી દે છે, એટલે એવું કહે છે કે તમે ધન્ય છો। શિવાજી मालवजी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे थे उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ।
પછી શિવાજી છે માલોજીને છાતીથી લગાવીને શું કહે છે કે જે પ્રકારે તું તારા માતાના દુઃખથી દુઃખી છું કે એને બે ટાઈમનું જમવાનું નથી મળતું એ જ રીતે અને જે રીતે વ્યાકુલ છું એવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું. રાત દિન મેં ઇસી ચિંતા મેં રહેતા હું કે કિસ પ્રકાર ભારત માતા કા દુઃખ દૂર કરું. શું કહે છે કે રાત દિવસ હું એ જ વાતની ચિંતામાં રહું છું કે કઈ રીતે ભારત માતાનું દુઃખ છે એ દૂર કરું. માલવજી મહારાજ યહ શરીર આપકા હૈ આપને મુજે જીવન દાન દિયા હૈ. માલવજી શું કહે છે મહારાજને કે હવે તે આ શરીર છે એ તમારું છે તમે મને જીવનદાન આપ્યું છે. મેં પ્રતિજ્ઞા કરતા હું કે જબ તક એ શરીરમાં જાન હૈ મેં કભી માતૃભૂમિ કી સેવા મેં પીછે ન હટુંગા. શું કહે છે કે હું પ્રતિજ્ઞા કરીશ કે જ્યાં સુધી મારા શરીરમાં જાન રહેશે ત્યાં સુધી હું કોઈ દિવસ માતૃભૂમિની સેવામાંથી પાછળ હટ નહીં કરું. શિવાજી વીરપુત્ર મેં તુમસે યહી આશ કરતા. શું કહે છે કે વીરપુત્ર મને તારાથી આ જ આશા હતી. હવે શબ્દાર્થ અને મુહારો જોઈ લઈએ. શબ્દાર્થ તત્પર એટલે તૈયાર, કષ્ટ એટલે દુઃખ, કર્તવ્ય એટલે કસ, મુક્ત એટલે મોહિત, પર્યાપ્ત એટલે કાફી, વર્ષ એટલે બાલક, દુર્ભર એટલે કઠિન, દાયિત્વ એટલે જિમ્મેદારી, પ્રતિષ્ઠા એટલે સન્માન, ચેષ્ટા એટલે પ્રયત્ન, અગાધ એટલે ગહરા અથવા અપાર. પછી મુહાવરો પ્રાણ ન્યોછાવર કરના એટલે કે જીવન સમર્પિત કરના, વધ કરના એટલે હત્યા કરના અથવા મારડા, હિંમત ન પડનાર, બાત ન કરી શકનાર, જીવનદાન દેના એટલે કે જિંદા જાને દેના. હવે આપણે આગલા વિડીયોની અંદર સ્વાધ્યાય પોથી પૂરીશું.